सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी तक आपने व्यंजन क से थ तक सीखे हैं। आशा करती हूँ आप उन सब का अभ्यास करते होंगे। आज मैं आपको व्यंजन द की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस दिन 10 तारीख थी। दादाजी दरी पर बैठकर दही खा रहे थे। उनकी दवाई भी वहीं रखी हुई थी। पास में बैठा हुआ दर्जी उनका कुर्ता सील रहा था। दर्जी के पास मेज पर एक दवात की शीशी रखी थी तथा दरवाज़ा खुला हुआ था। बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब हम द व्यंजन के शब्दों को पुनः दोहराएंगे। 10, दादाजी, दरी, दही, दवाई, दर्जी, दवात, दरवाजा। अब आप इस कहानी को और शब्दों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, अभी आपने द व्यंजन की कहानी सुनी। आइए अब हम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले आज की दिनांक डालेंगे। आज है तारीख 2/7/21 2/7/21। यहाँ पे डालेंगे क्लास वर्क CW। चलिए देखते हैं द व्यंजन कैसे लिखते हैं। पहले एक छोटी रेखा, आधा गोला और ये पूंछ, बन गया व्यंजन द। फिर से देखिए, एक छोटी रेखा, आधा गोला, ये पूंछ, ये बन गया व्यंजन द, ऊपर छत। फिर से देखिए, खड़ी रेखा, आधा गोला और नीचे पूंछ, ऊपर छत, व्यंजन द। आइए अब हम चित्र बनाते हैं। द व्यंजन से शुरू होने वाले चित्र। द दरवाज़ा, तो पहले एक सोई रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, एक सोई रेखा और फिर एक छोटी रेखा, उसके बीच में ये बन गया द दरवाज़ा। और द से क्या होता है बच्चों? द दरी। एक सीधी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और साथ में छोटी छोटी सीधी रेखाएं बना देंगे। एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, बीच में गोला, दरी। द से दरी। और द से क्या होता है? द दवात। एक गोला बनाया, एक छोटी रेखा, एक आधा गोला, इसको मिलाएंगे, फिर एक टेढ़ी रेखा, एक और टेढ़ी रेखा, खड़ी रेखा दोनों तरफ और ये मिला देंगे द दवात। और द से क्या होता है बच्चों? द दवाई। सीधी रेखा, खड़ी रेखा और ये बीच में गोला बना देंगे, बन गई द दवाई। बच्चों, आप चित्र बनाकर उसमें रंग भरेंगे और द व्यंजन का अभ्यास करके अपना कार्य अपनी मैम को शेयर करेंगे। धन्यवाद।